Good morning, students. Welcome in my class. What we will do today? We will revise our chapter 4, that is sorting material into groups. ठीक है, इट मीन्स इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे कि जो भी अपने जो मतलब मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में हम डिवाइड करके और कैसे उनको सॉर्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ As you know that we have lots of things around us. ठीक है, हमारे चारों ओर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, like plants, house, buildings, bus, car. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब की डिफरेंट साइज होती है, डिफरेंट कलर होता है, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आपको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को अपने को ग्रुप में डिवाइड करना है. क्यों डिवाइड करना है इनको, सो दैट अपन इनको मतलब इनको पहचाना, इनकी प्रॉपर्टीज को जाना, इनके बारे में स्टडी करना इजी हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट एज यू कैन सी हियर, इसमें देखो आपको क्या करना है, मटेरियल दे आर मेड ऑफ. देखो इसमें अपने को ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें अपने को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, वुड, प्लास्टिक, पेपर, आयरन बेस्ड ऑन द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि जो आयरन से बने हुए मटेरियल यानी कि नहीं, ठीक है, और पेपर से बने हुए, फिर प्लास्टिक से बने हुए, ठीक है, तो इस टाइप से मतलब वुड से बने हुए, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अपने को क्या करना है, इनको कैटेगरीज इसमें डिवाइड करनी है और इनकी इमेजेस बनानी है. ओके, तो इस टाइप से इनको ये डिफरेंट कैटेगरीज में किस चीज से बने हुए हैं उस बेसिस पे ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन शॉर्ट्स. ठीक है, आज हम इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे, इनके शॉर्ट्स से इसके बेसिस में कि इनके शॉर्ट्स क्या क्या हैं. ठीक है, सो नाउ कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपने को कहाँ से मिलते हैं, तो इस बेसिस पे अपन क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो अपने को नेचर से मिलते हैं, या ठीक है नेचर से अगर अपने को मिलते हैं तो या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे या फिर एनिमल्स से मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, तो जो अपने को प्लांट एंड नेचर से मिलेंगे इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहेंगे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ एक अपने पास में होते मैन मेड ऑब्जेक्ट या फिर आप इनको आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, लाइक एज यू कैन सी हियर इन दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो नेचुरल थिंग्स हैं उनमें एन नोट करना है और जो मैन मेड थिंग्स है वहाँ पे आपको एम नोट करना है. ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आपके पास बटरफ्लाई है तो क्या बटरफ्लाई नेचुरल है या फिर इसको मतलब मैन मेड है या किसी ने बनाया है इसको. ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल है, इट मीन्स ये बनाई हुई नहीं होती, ये एनिमल है और ये नेचर से बना हुआ ही होता है, तो इसमें आप एन लिख दोगे. इसी टाइप से ये क्या मैन मेड है, वॉच है, वो आर्टिफिशियल है तो ये क्या हो जाएगी एम. इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये स्टोन लाइक स्ट्रक्चर तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल. इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा नेचुरल नेचुरल, एंड ये क्या हो जाएगा, जो शूज हैं वो कौन बनाता है, मैन मेड होते हैं, तो ये हो जाएंगे एम. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेंड क्या है, मैन मेड. ठीक है, इसी टाइप से हाउस क्या हो जाएगा, मैन मेड. ओके, तो इस टाइप से अपन इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पे कि ये बने हुए मतलब किसने इनको बनाया, इस बेसिस पे ये टू टाइप्स में अपन इनको डिवाइड कर दिया. टू टाइप्स कौन कौन से हो गए, नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब अपन क्या करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्डनेस. सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्डनेस के बेसिस पे. ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि कुछ मटेरियल अपने पास ऐसे होंगे जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो अपने हैंड से, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते. तो ऐसे मटेरियल जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो इस टाइप के मटेरियल को तो अपन क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल्स कहेंगे. इनको एक कैटेगरी अपन बना देंगे,
हार्ड मटेरियल्स की। इसी टाइप से कुछ अपने पास ऐसे होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इस टाइप के मटेरियल्स को अपन क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी टू कैटेगरीज बन गई, इन ऑब्जेक्ट की टू कैटेगरीज बन गई। टू कौन कौन सी हो गई, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, तो जो हार्ड मटेरियल है उसमें तो कौन कौन से हो गए, स्टोन है, तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो वो तो किस में आ जाएंगे, सॉफ्ट में, और जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते वो किस में आ जाएंगे, हार्ड में। ठीक है, तो जो स्टोन है वो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो हार्ड में आ जाएगा, और कैंडल है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब ये तो ये किस में आ जाएगा, सॉफ्ट में। इसी टाइप से इरेजर को भी कर सकते हो सॉफ्ट में, हैमर को आप नहीं कर सकते ये हार्ड में आ जाएगा, यूटेंसिल्स को नहीं कर सकते तो ये भी हार्ड में आ जाएगा, चेयर को भी नहीं कर सकते ये भी हार्ड में आ जाएगा। ओके, सो इनकी जो हार्डनेस है उसके बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। नेक्स्ट अपने पास में जो प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करेंगे वो कौन सी हो गई, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेज मैग्नेट से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनको तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक। ओके, नाउ इसको अपन मतलब कैसे, मतलब इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अपन एक मैग्नेट लाएंगे और ये जो अपने पास में मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स के पास में इनको लाके देखेंगे। तो जब अपन मैग्नेट को नेल्स के पास में लाएंगे तो नेल्स क्या हो जाएगी, उससे अटैच हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, इट मीन्स ये क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, तो इनमें आपको मतलब मैग्नेटिक इस टाइप से आप टू कैटेगरीज बना लो, इसमें मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस उनको यहाँ पे लिख दो, इसमें मैग्नेटिक हो जाएंगे, रबर जो है वो अटैच नहीं होगा, इसे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। इसी टाइप से स्क्रू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक। ठीक है, एंड नाइव्स मैग्नेटिक, पेंसिल नॉन मैग्नेटिक, एंड शूज क्या हो जाएंगे, ये भी नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने इन सब्सटेंसेस को इस टाइप से टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, क्या हो गया, अपनी टू कैटेगरीज हो गई। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या है, इनसॉल्युबल एंड सोल्यूबल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। ठीक है, तो इसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे, ना नेक्स्ट वी हैव इज सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। इस बेसिस पे अपन इनकी थर्ड कैटेगरी रखी है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको अपन क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करके देखेंगे। तो अगर ये इसमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं तो अपन इनको इस कैटेगरीज में रख देंगे, और अगर ये सोल्यूबल नहीं होते तो हम इसको इस कैटेगरीज में रख देंगे। जैसे चोक है, चोक सोल्यूबल नहीं होती है इसमें, तो ये क्या हो गई, आप क्या करोगे, इनसोल्यूबल कैटेगरीज में रख दोगे। इसी टाइप से स्टोन भी सोल्यूबल नहीं है तो इसको भी इनसोल्यूबल कैटेगरीज में रख दोगे। सॉल्ट क्या है, सोल्यूबल है तो इसको आप इस कैटेगरीज में रख दोगे। ऑयल क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इसको भी आप इस कैटेगरीज में रख दोगे। और हनी जो है, हनी सोल्यूबल होती है, हनी को आप सोल्यूबल कैटेगरीज में रख दोगे। लेमन जूस भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ओके, तो आप इसको इस कैटेगरीज में रख दोगे। तो इस टाइप से जो सोल्यूबल सब्सटेंसेज है उनको अपन ने एक साइड में रख लिया, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेज को अपन ने एक साइड में रख लिया। तो इस टाइप से ही क्या हो गया, अपनी टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इनको देखो, इसको अपन पहले इस तरह से समझेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अपन लेके आएंगे और उसमें से देखने की कोशिश करेंगे, तो जिन ऑब्जेक्ट्स के मतलब थ्रू आप देख सकते हो तो वो तो क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट। जिनसे आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, इट मीन्स दिखाई तो देता है बट क्लियर नहीं देता, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसल्यूशन। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं लाइक योर बुक, चेयर, वॉल। ठीक है, तो उनमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेज हैं जिनमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते, इस टाइप के सब्सटेंसेज को आप क्या कहोगे, ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने पास कुछ सब्सटेंसेज हैं लाइक ग्लास,
ठीक है, ग्लास में से आप अच्छे से देख पाते हो, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड हो गए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑपेक, वुड भी क्या हो जाएगी, ऑपेक, ठीक है, एंड ट्रेसिंग पेपर क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूशेंट, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो नाउ इसी टाइप से अपने पास जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एयर, क्लीन वाटर, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कंटेनर हो गए, ठीक है, एंड जार, बॉटल्स ऑफ ग्लास, ग्लास की बॉटल्स हो गई, ठीक है। तो ये अपने जो ऑब्जेक्ट हैं कौन कौन से हो गए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, जिनसे अपन, जिनके आर पार अपन अच्छे से देख सकते हैं, और ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, लाइक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, ग्लास, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर, ये क्या हो गए अपने, ट्रांसल्यूशन, ठीक है। और इनके अलावा जो भी आपके बच्चे हैं लाइक वॉल, टेबल, चेयर, बुक, नोटबुक, ये सारे जो भी हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से भी आप नहीं देख सकते हो वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब इस बेसिस पे करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट तो अपने कैसे क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पे, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, वाटर में सिंक हो जाएंगे, इट मीन्स वाटर में डूब जाएंगे ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब डेंस का मीन क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट लाइक ये अपने पास क्या है, स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन क्या करते हैं, ये स्मॉल मोलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है। जितने भी अपने पास ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये किस टाइप से, इनका मतलब ये किस टाइप से अरेंजमेंट है, अगर ये मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास में हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में नहीं है, बहुत दूर है, लाइक इस टाइप से, तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन देखो डेंसिटी के बेसिस पे ये फ्लोट करते हैं, ये शिंक करते हैं, इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उसके मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को तो अपन क्या कहेंगे, जो फ्लोट करने की कैटेगरी में रख दी, सॉरी सिंक हो जाएंगे, तो सिंक वाली कैटेगरी से इनको रख देंगे। इसी टाइप से कुछ ऑब्जेक्ट जिनके मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं इनके, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो इस टाइप के जो भी अपने पास में क्या है ऑब्जेक्ट है उनको हम क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, तो उनको फ्लोट करने वाली कैटेगरीज में अपन रख देंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, इट मीन्स अपने पास जो भी मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड क्यों करते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है जैसे पड़े हैं वैसे के वैसे अपन उनको रहने दें, जैसे फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट भी वही रखे हैं, शिंक करने वाले भी वही रखे हैं, और मैग्नेटिक भी अपन ने वही रखा और नॉन मैग्नेटिक को भी वही रखा, तो इस टाइप के सारे ऐसे ही हैं, क्यों क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसके लिए अपने पास कुछ रीजन्स हैं, इनकी जो सिमिलरिटीज़ होती है एंड डिसिमिलरिटीज़ होती है उनके बेसिस पे, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बेसिस पे अपन इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसका मतलब अपन एक तो देखो इन आइटम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन मटेरियल्स का बल्क बना सकते हैं, इट मीन्स ग्रुप में रख सकते हैं अपन इनको, ठीक है। फिर सुपर मार्केट में या फिर इन सभी प्रोडक्ट्स को इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन इनको सेल आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से जैसे वेजिटेबल्स वगैरह रखी जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं, तो उनके सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ये ख़राब भी हो जाते हैं दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है। एंड इनको अरेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स की स्टडी करना, इनको बाय करना और सॉल्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है जब हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड यू विल हैव टू लर्न योर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है। ओके, तो देखो जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लाइक
वॉट आर ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अ स्मेल, कि अपने चारों जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो किससे बने हुए हैं, ठीक है। सो तो ये आपको मतलब बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूजुअली हैव शाइन, किस टाइप के मटेरियल है वो यूजुअली शाइनिंग होती है उसमें, सो मेटल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको और अच्छे से इनको स्टडी करना, अच्छे से लर्न करना है। हाउ वुड यू डिफाइन सॉफ्ट मटेरियल्स, आप सॉफ्ट मटेरियल्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो अपन ने देखा था इसके लिए कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप कंप्रेस कर सकते हो वो कौन से हो जाएंगे, सॉफ्ट मटेरियल, ओके। लाइक एज वॉट आर ट्रांसल्यूशेंट सब्सटेंसेस, ट्रांसल्यूशेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं। सो अपन ने इसमें देखा था कि जिन ऑब्जेक्ट्स में आप देख तो सकते हो बट कंप्लीट नहीं देख पाते, अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते, तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप क्या कहोगे, ट्रांसल्यूशेंट। नेक्स्ट वी हैव इज दी फोर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स हैं उसके फोर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या हो गए, फोर एग्जाम्पल्स हो गए किसके, मेटल्स के। नाउ नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, ठीक है, ऐसे किसी भी फाइव ऑब्जेक्ट के आपको नेम बताने हैं जो किससे बने हुए हैं, वुड से, ठीक है। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग शाइन, ऐसे ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जो शाइन करते हैं, ठीक है। एंड लाइक ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट एक्सेट्रा, इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं जिनको आप जो शाइन करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है वट आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से हो गए, प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये क्या है अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। नेम द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड, ठीक है, क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इट मीन्स कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो कौन कौन से हो गए, जैसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया, सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, तो ये सारे क्या हैं, इनके क्राइटेरिया हैं ऑब्जेक्ट्स के जिनके बेसिस पे अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। सी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जिसमें से हम अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ इट इज डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स की नीड होती है, ठीक है, तो ये हम उस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। इसी टाइप से वाई वाटर इज कॉल्ड ए गुड सॉल्वेंट, क्यों हम वाटर को एक गुड सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें कौन से, नॉट ऑन ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अपन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इस पर आपको एक नोट लिखना है, तो आप इस टाइप से बता सकते हो कि मतलब अपन क्यों करते हैं इनको और किस किस बेसिस पे अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है हाउ ऑब्जेक्ट आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, तो सोर्सेज के बेसिस पे अपन इनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, तो ये आपको बताना, तो आप ये कैसे बताओगे, आप इसमें देखो ऐसे बता सकते हो कि ये मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सॉल्यूबल को अपन ने अलग टाइप में रख लिया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सॉल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है, इसी टाइप से मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, जो भी कैटेगरीज अपन ने देखी है, हार्ड, सॉफ्ट वगैरह, तो उनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं इसको, मतलब इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास हाउ ट्रांसपेरेंटी ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प इन ग्रुपिंग दैम, कैसे जो ट्रांसपेरेंटी ऑफ ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास मतलब इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल, ठीक है, इट मींस जो मटेरियल्स आप क्या कर सकते हो उनको, मतलब इन मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने के क्या एडवांटेज है ये आपको बताना है, तो जो भी अपने को बेनिफिट्स होता है वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे अपन स्टडी कर सकते हैं, इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इजीली इनको बाय कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक का एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, जिसमें से आपको दिख रहा है बट मतलब जिसमें से आप देख सकते हो, तो ये कौन से हो गए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है,
तो ये अपने क्या हो गए, इस टाइप से इनको आप अच्छे से रीड कर लोगे, ये वैसे ही पहले से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। थ्रो मैटेरियल थ्रो विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी बट नॉट क्लियरली, देख तो सकते हो बट आप क्लियरली नहीं देख सकते, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूशन, ठीक है। जिनको डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना वो कौन से हो गए, हार्ड ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एंड कुछ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वन एक डिफरेंट टाइप के मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उनमें पर्टिकुलर मटेरियल्स का यूज किया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है, मेटल्स है, क्या है ये, मेटल्स, ठीक है। फिर अपने क्या हो गया, ट्रू फॉल्स हो गई, तो इनको आप कर ही रहोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।